नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस का कहर। भागलपुर में 5 संदिग्ध लोगों की हुई जांच, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। होली में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की है पैनी नजर। एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस पदाधिकारियों को दिया टास्क। फागुनोत्सव के रंग में रंगा नजर आया शहर। हजारों की संख्या में श्याम भक्तों ने निकाली भव्य निशान शोभा यात्रा। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने निकाला आक्रोश मार्च। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। और बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब हुआ बरामद। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 2 दर्जन से अधिक लोगों में कोरोना से संक्रमण होने की पुष्टि की है। वहीं कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकथाम के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसे रोकने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है और आम लोगों को कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भागलपुर में भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। मायागंज अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध लोगों की जांच के लिए अलग व्यवस्था है। बिहार सरकार स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा नामित कोरोना वायरस के नोडल पदाधिकारी सह भागलपुर के वरीय फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। इधर कोरोना वायरस को लेकर भागलपुर के डेंटल सर्जन डॉक्टर सनातन कुमार ने कहा कि 77 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संक्रमित लोगों से दूर रहने की जरूरत है। डॉक्टर सनातन ने कहा कि सरकारी एडवाइजरी का पालन करें, साथ ही इससे बचने के लिए मास्क लगाएं और हाथों को अच्छी तरह साफ रखें। भागलपुर के चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करना चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस एक फ्लू की तरह का वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। दिक्कत यह है कि इसके लिए हमारे पास अभी कोई प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है वो नहीं है उतनी ज़्यादा, और हमारे पास इसकी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। यूँ तो लगता है मुझे कि ज़्यादा भय व्याप्त है। अभी कोरोना के अभी के हिसाब से अनुमानित चीन में लगभग 80,000 लोग इससे पीड़ित हुए और लगभग 2,500 लोगों की डेथ हुई है, और पूरे विश्व में लगभग 82,000 लोग हैं। पहले जो माना गया 31 दिसंबर को पहला केस चीन में वुहान में मिला इसका, तो इसलिए इसको वुहान 400 भी बोलने लगे हम लोग। अच्छी बात यह रहती है कि कोरोना वायरस के 80-81% केस जो होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं और साधारण फ्लू की तरह आते हैं, जिसमें कि नज़ला जुकाम होता है, गले में खराश होता है, खांसी होती है, देह हाथ में दर्द होता है, और 14% पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है जिनको अस्पताल में रहने की और लगातार कॉन्टैक्ट में होने की ज़रूरत है, और लगभग 5% पेशेंट जो होते हैं उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। बचाव के लिए तौर पे हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए, जो एक दूसरे से ज़्यादा गले मिलने या सट के नहीं रहना चाहिए। दूर से लोगों को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, हालचाल लीजिए, और खासकर जो विदेशियों का ग्रुप या सैलानियों का ग्रुप अगर आपके शहर में या आसपास घूमता हो तो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखिए और उनके पास जाने में मास्क का इस्तेमाल करिए। कोरोना वायरस यानी COVID-19 जो कि एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई और अब ये पूरे विश्व में फैल रहा है। इसका मेन प्रिवेंशन ही उपाय है, आप किसी भी बड़े गैदरिंग में जहाँ के बहुत लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, मास्क का उपयोग करें। एक अलग तरह का मास्क आता है जिसको हम 95 मास्क बोलते हैं, उस मास्क को पहनें। हालांकि ये मास्क अभी शॉर्टेज हो रहा है मार्केट में। हाथ को बार बार साबुन से धोएं और जब भी किसी से फिजिकल कॉन्टैक्ट हो किसी भी व्यक्ति से तो अपने हाथ को साफ़ सुथरा मतलब सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, चाहे हाथ को बार बार साबुन से धो सकते हैं। तो प्रिवेंशन ही इसका उपाय है। बाकी उन जगह पर जाने से अपने आप को रोके जहाँ पर कि इसका संक्रमित लोग मिल रहे हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में रिपोर्टेड केसेस आया है इटली के ट्रैवलर्स के द्वारा, वहाँ पर भी कुछ केसेस फैला है, उनके ड्राइवर को भी हो गया है। तो मेन है कि ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए और कम से कम लोगों से जो समुदाय है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग एकत्र हो रहे हैं उस तरह के पब्लिक मीटिंग्स और ये सबको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। होली में हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए भागलपुर पुलिस तैयार है।
गुरुवार को वरिया पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने जिले के सभी थानेदारों को हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। क्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी आशीष भारती ने होली और रामनवमी को देखते हुए सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, विधि व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद, ट्रैफिक डीएसपी आरके झा, कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेसु कृष्ण एवं इंस्पेक्टर समेत जिले के सभी थानाध्यक्षों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना सभी पुलिस पदाधिकारियों का कर्तव्य है। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने होली को देखते हुए शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है और थाना क्षेत्र के आपराधिक छवि वाले लोगों पर नजर रखने की बात कही। साथ ही एसएसपी ने फरार अपराधियों के लिए अभियान चलाने और लंबित केसों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से गुरुवार को फागुनोत्सव को लेकर भागलपुर गौशाला प्रांगण से विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली गई। निशान शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक एवं कोतवाली चौक होते हुए मनरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह सेवा शिविर लगाकर श्याम भक्तों को जल, शरबत एवं चाय का वितरण किया गया। शोभा यात्रा में खाटू श्याम का जयकारा लगाते हुए सभी श्याम भक्त भक्ति में झूमते नजर आए। वहीं नगर भ्रमण के बाद खाटू श्याम मंदिर पहुंचते भक्तों ने श्याम बाबा के दरबार में पूरे उत्साह और भक्ति के साथ निशान चढ़ाया। आकर्षक रूप से सजाए गए मंदिर में खाटू श्याम का भजन और जयकारा गूंजता रहा और पूरा श्याम दरबार भक्तों से पटा रहा। आज का जो उत्सव है, हर साल फागुन शुक्ला एकादशी द्वादशी को मनाया जाता है खाटू श्याम मंदिर भागलपुर मथुरा में 2006 से। आज विशाल निशान शोभा यात्रा प्रातःकालीन गौशाला में इसमें 1500 लगभग निशान भक्त श्याम मंदिर में निशान चढ़ा रहे हैं अभी, और ये कार्यक्रम 2 घंटे तक और चलेगा। इसके बाद रात्रि 8 बजे से 24 घंटे की अखंड ज्योति का कार्यक्रम होगा। हम लोग आज निशान लेके गौशाला से निकले थे, उसके बाद मस्ती करते हुए रंग का बौछार करते हुए हम लोग सब आए हैं खाटू धाम। यहाँ हम लोग के मनरोजा में है बाबा का मंदिर। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, साल भर से हम लोग इंतजार करते रहते हैं इस पर्व का। आज हम लोग को लगता है कि हम लोग का पूरा हो गया, साल पूरा इंतजार खत्म हो गया। अब हम लोग कल 56 भोग लगाएंगे, सभा मणि लगाएंगे, हम लोग लेडी लोग डांस प्रोग्राम करेंगे। वहीं श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया के द्वारा गुरुवार को मड़वाली विवाह भवन से निशान शोभा यात्रा निकाली गई। अध्यक्ष अनिल केजरीवाल ने कहा कि 201 श्याम भक्तों ने निशान पूजन किया और अबीर गुलाल खेलते हुए नवगछिया नगर मुख्य मार्ग NH 31 होते हुए भागलपुर के लिए रवाना हुए। नवगछिया के कई चौक चौराहों पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सेवा शिविर लगाकर श्याम भक्तों को सेवा प्रदान की गई। भागलपुर पहुंचने पर श्याम भक्तों का स्वागत 0 माइल में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा किया गया। इसके बाद निशान शोभा यात्रा फूल एवं अबीर गुलाल उड़ाते हुए मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचा, जहां श्याम भक्तों ने मंदिर में निशान अर्पित किया। इस मौके पर काफी संख्या में श्याम भक्त मंडल के सदस्य एवं श्याम भक्त मौजूद थे। वहीं नाथनगर CTS रोड से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथ में निशान लेकर झूमते गाते भागलपुर चुनहारी टोला स्थित प्राचीन खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां भगवान श्याम को निशान अर्पित किया गया। इंद्रधनुषीय श्री श्याम निशान शोभा यात्रा में राज्य के विभिन्न हिस्से एवं झारखंड राज्य के गोड्डा जिले से आने वाले सभी श्याम भक्तों के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा फलहार एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नाथनगर 0 माइल पिस्ता चौक एवं देवी बाबू धर्मशाला के समीप की गई है। संस्था के राष्ट्राध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि नाथनगर की ओर से आने वाली निशान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए नेपाली छात्रावास में फलहारी की व्यवस्था की गई है। वहीं गोड्डा से 85 किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर पहुंचने वाले श्याम भक्तों के लिए पिस्ता के समीप कैंप लगाकर सेवा की गई। वहीं नवगछिया की ओर से आने वाले श्याम भक्तों का स्वागत 0 माइल चौक के समीप चाणक्य विहार वृंदावन कॉलोनी में की गई। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि गुरुवार की शाम राजस्थान के बग्गड़ से पधारे पंडित आचार्य राम पूजन जी महाराज द्वारा ज्योत पूजन एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सभी श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। विष्णु खेतान ने कहा कि विगत 15 वर्षों से संस्था के द्वारा खाटू श्याम महोत्सव राजस्थान की तर्ज पर भागलपुर में भी इंद्रधनुषी निशान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की सहयोगी संस्था श्री चावो वीरो दादी सेवा समिति, बिंदल कुलदेवी सेवा समिति, जय माता दी सेवा समिति, श्री साकंबरी परिवार, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर और राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के अलावा RPF और GRP के सहयोग से प्रत्येक वर्ष श्याम भक्तों के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जाती है। इस मौके पर अनुराधा खेतान, राजेश टंडन, सुमित अग्रवाल, किशन ढंडनिया, प्रमोद डलानिया, सुजीत सिंह,
पीडी रुंगटा, मनीष रुंगटा, संतोष खेतान, बालमुकुंद बगड़िया, प्रमोद पुद्दार, संजय शाह, पवन सर्राफ, संजय सलामपुरिया एवं प्रकाश गोयनका सहित कई सदस्य की भूमिका आयोजन को सफल बनाने में रही। शिक्षक संघर्ष समन्वयक संघ द्वारा गुरुवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च घंटाघर से होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। मार्च में शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी की। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक के समर्थन में नगर विधायक अजीत शर्मा भी दिखे। नगर विधायक ने कहा कि शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, सरकार को अविलंब इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए, पर सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल उदासीन रवैया अपना रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर काफी संख्या में शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे। जितने विपक्ष की पार्टियां राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, सब हम लोग जम के आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमने आग्रह किया सत्ताधारी दलों से भी, नियोजित शिक्षक को अगर आप समान वेतन नहीं दोगे तो बच्चे शिक्षित होकर देश का नाम बिहार का नाम आगे हो सकता नहीं कर सकेंगे। मुझे मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को निश्चित तौर पर यह मानना होगा, यही तो ये बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो मानेंगे नहीं। हम लोग विधानसभा में इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं बांका में भी शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं शिक्षकों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक स्कूलों में ताला लटका रहेगा और शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही शिक्षकों ने कहा कि यदि सरकार अविलंब उनके मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन कर सरकार तक शिक्षकों की आवाज पहुंचाई जाएगी। आंदोलन में शिक्षकों ने नीतीश कुमार से सकारात्मक पहल करने की मांग की। होली को लेकर शराब तस्करों द्वारा शराब की बड़ी खेप को राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस भी काफी सक्रिय हो गई है। बांका एसपी के निर्देश पर बौंसी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि झारखंड से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद बौंसी थाना अध्यक्ष को बिहार झारखंड की सीमा पर विशेष तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश यादव ने भलजोर चेक पोस्ट के समीप झारखंड की ओर से आ रही पिकअप वैन को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान पुलिस ने आलू के नीचे छिपाकर रखे गए 89 कार्टून शराब को बरामद किया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने वाहन चालक बोकारो चास निवासी दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पिकअप वैन को एस्कॉर्ट कर रहे शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये बौसी थाना दुमका के बॉर्डर पर है, हमारा एक्साइज चेक पोस्ट भी है। इसी सूचना संकलन करते हुए जांच की गई। कल एक टाटा 407 गाड़ी को पकड़ा गया, इसको इसके अंदर में शराब था, लेकिन उसको कवर करके बालू का बोरा रखा गया था और उसके ऊपर से त्रिपाल बंद कर दिया गया था, जो प्रथम दृष्टया देखने से आलू का गाड़ी लग रही थी, लेकिन सूचना सही रहने के कारण हम लोगों ने जाँच की। जाँच के करने पर 89 कार्टून डिफरेंट ब्रांड का शराब पकड़ा गया, जिसमें गिनती करने पर 2016 बोतल बरामद हुआ है। ये शराब अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ की गई है इससे पता चल रहा है कि ये बोकारो से लाया जा रहा था और भागलपुर की ओर जाना था। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया रंगराज क्षेत्र के भवानीपुर चौक के समीप NH 31 पर गुरुवार को अनियंत्रित ट्रक ने सामने से कार को भीषण टक्कर मार दिया। दुर्घटना में कार पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल लोगों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवकों की पहचान मधेपुरा निवासी अनंत कुमार एवं सुभाष यादव के रूप में हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि कटिहार की ओर से आ रही ट्रक ने नवगछिया की ओर से आ रही कार को सामने से जोरदार टक्कर मार दिया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची रंगला पुलिस ने दोनों घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। मौसम में हो रहे बदलाव और कम होती ठंड से सरकारी अस्पताल समेत निजी क्लिनिक में खांसी, जुकाम, वायरल फीवर और निमोनिया के मरीज की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में इन दिनों सबसे ज्यादा रोगी बुखार, टाइफाइड और इन्फेक्शन के आ रहे हैं। वहीं बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर लोगों को उचित परामर्श दे रहे हैं। भागलपुर के वरीय फिजिशियन डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि मौसम बदलाव के समय लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास मच्छरों को ना पनपने दें, साथ ही केमिकल युक्त सामग्री का प्रयोग नहीं करें। मौसम बदल रहा है और लेकिन अभी भी ठंडक जो है अपना जो है दस्तक छोड़ा नहीं है, ठंडक अपना प्रभाव नहीं छोड़ा है। कभी गर्मी आती है, कभी ठंडा आ रहा है और ये जो मौसम है इसमें मच्छर जो है काफी आगे बढ़ रहा है, इसलिए मच्छर से बचने के लिए मॉर्टन में जो धुआं निकलता है उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। रात रात भर मॉर्टन जला करके न सोएं, बल्कि मसरी लगा करके सोएं, बहुत अच्छी बात हो सकती है। और अभी पूरे जगह जो है आप देख रहे हैं वायरल इन्फेक्शन की बातें हो रही है, कोरोना की बातें हो रही है, जैसे ही सर्दी खांसी की बातें होती है, चूंकि ये सर्दी खांसी भागलपुर में अगर होती है किसी को तो वह कोरोना वायरस नहीं है। बाहर से जब तक लोग विदेश से नहीं आते हैं, चाइना से, जर्मनी से या बाहर से, तो वहाँ से जो है उसकी यात्रा ना करके करते हुए लोग जो है इससे बचने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन और जब भी यहाँ पर किसी को होता है सर्दी खांसी होता है तो उसमें भी बचाव के ये हैं कि आप जो है जिसको भी सर्दी खांसी होती है तो मुंह ढक करके जो है खांसें ताकि दूसरे को संक्रमण नहीं हो जाए, और हाथ जो है अपना जो है गर्म पानी से धोएं, साबुन से साफ करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपना स्वच्छता बरतने की बहुत ज़रूरत है और इस बदलते मौसम में अपने जो है रखरखाव का कपड़े का भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आप निकलिएगा तभी भी ठंडक रहती है, इसलिए कम कपड़े में भी नहीं, जो उचित कपड़े हैं उसमें बाहर निकलिए टहलने के लिए भी, तो इस तरह का बर्ताव बहुत ही जरूरी। पिछले दिनों दिल्ली में हुए उपद्रव में भागलपुर नाथनगर स्थित कस्बा मोहल्ले के एक युवक की मौत हो गई थी। बुधवार की शाम मृतक युवक का शव पैतृक घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। इस दौरान पूरे इलाके में मातम छा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक एक नेकदिल इंसान था। मृतक युवक की पहचान कस्बा निवासी मोहम्मद हबीबुल्लाह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी बीबी नीलम ने बताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि उपद्रव के दौरान हुई भगदड़ में हबीबुल्लाह की मौत हो गई है। मृतक युवक की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी और वह दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करता था। दिल्ली गए थे काम करने के लिए, बोले थे कुछ दिन में आ जाएंगे, लेकिन ये खबर आया 4-5 दिन पहले, मतलब ऐसा ऐसा हो गया है अचानक से, यहाँ कोई नहीं था। मतलब भगदड़ में सूचना प्राप्त हुई, एक कस्बा मोहल्ला है नाथनगर में, वहाँ के हमारे नौजवान थे हबीबुल्ला, दर्जी का काम करते थे, मजदूरी कमाने गए हुए थे 15 दिन पहले, और ये जो हादसा हुआ दिल्ली में उसी में उनकी मौत हुई है। तो आज मातम कुर्सी में आए हम लोग और अभी उनको कफन दफन किया गया। 1 मार्च से चल रहे पेंट माई पुलिस स्टेशन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बांका के रजौन थाना परिसर में चित्रकला का प्रदर्शन करने वाले बाल मित्र को सम्मानित किया गया। बालमित्र ने पूरे थाना परिसर के दीवारों को मंजूसा पेंटिंग, टिकुली कला, मधुबनी पेंटिंग, दहेज प्रथा एवं जल जीवन हरियाली की रंगों से सजा दिया। पेंटिंग में शिवमणि चिल्ड्रंस एकेडमी, शिव सुभद्रा पब्लिक स्कूल के बच्चों को बेहतर पेंटिंग बनाने के लिए बालमित्र सम्मान से नवाजा गया। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि बच्चों ने पेंटिंग कर रजौन थाना को मॉडल थाना बना दिया है। मौके पर उमाकांत राव, शिव पूजन सिंह, जय नारायण सिंह, अमन कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर स्थित मनस्कामनानाथ मंदिर परिसर से गुरुवार को शनि मंदिर में नवग्रह एवं बगुलामुखी प्रतिमा की स्थापना को लेकर भव्य झांकी निकाली गई। झांकी में घोड़े एवं गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए, जो स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान प्रतिमाओं के साथ निकाली गई झांकी CTS रोड, नाथनगर चौक, मनस्कामनानाथ चौक, मेदिनीनगर, चंपानगर, विसरी मंदिर एवं नरगा चौक होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।
मंदिर के पुजारी अशोक बाबा ने बताया कि नवग्रह मूर्तियों एवं बगुलामुखी देवी की प्राण प्रतिष्ठा, विश्व कल्याण एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए नवग्रह मूर्तियों की स्थापना की गई है। मौके पर ओम प्रकाश शाह, लखन खटिक, माना शुक्ला, दिलीप बाबा, रतन मंडल, चंदन मिश्रा, व्यासदेव यादव सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस का कहर, भागलपुर में 5 संदिग्ध लोगों की हुई जांच, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। होली में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की है पैनी नजर, एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस पदाधिकारियों को दिया टास्क। फागुनोत्सव के रंग में रंगा नजर आया शहर, हजारों की संख्या में श्याम भक्तों ने निकाली भव्य निशान शोभा यात्रा। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने निकाला आक्रोश मार्च, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। और बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब हुआ बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।